देखो वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको बोला जाएगा कि ये एक बीकर है, इसकी टोटल हाइट एच है, टोटल हाइट, और ये ग्राउंड पर रखा गया है, कंप्लीटली पानी इसमें फिल है, कंप्लीटली पानी है इसमें, अब इसके टॉप से एच डेप्थ पर एक छोटा होल कर दिया जाता है, छोटा होल, समझे ना, यहां होल कर दिया मैंने, छोटा, लिख देता हूं इसको स्मॉल होल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है आपको पी नॉट, तो यहां भी होगा पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां से अब पानी निकलना स्टार्ट करेगा किसी स्पीड से, इस प्रकार से, तो ये पानी इसके बेस से टैंक के बेस से कितनी आगे ग्राउंड को हिट करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, समझे। पानी ग्राउंड पर टैंक से कितना आगे गिरेगा ये क्वेश्चन है। जो मैंने बोला था कि पीछे यहां वेलोसिटी रूट टू जी एच आती है, उस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज किया जाता है, तो मैं यहां डायरेक्टली यूज करूंगा। वी नो होल इज स्मॉल, दैट्स वाई बाय ट्रॉसली इक्वेशन या थ्योरम क्या होती है वो, कि जो स्पीड आएगी यहां, मान लेते हैं वो वीपी है, इस पॉइंट पे स्पीड है वीपी, तो वो वीपी आएगी रूट टू जी एच, ओपन एंड से डेप्थ कितनी है एच है, तो ये स्पीड आएगी रूट टू जी एच। अब इसके बाद ये ग्राउंड से कितना आगे गिरेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन होता है जो हाफ प्रोजेक्टाइल में आपसे रेंज पूछने के लिए किया जाता है, कि यदि मैं एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक देता हूं एक बिल्डिंग की एच हाइट से, तो वो कितना आगे जाके गिरती है, याद आया, ये वही क्वेश्चन है। यहां से एक पार्टिकल को ये वीपी स्पीड दी गई है, ये है हाइट कितनी है, ये हाइट है एच माइनस एच, ये इतनी हाइट, तो आप ये नहीं बता सकते कि इसकी रेंज कितनी आएगी, बड़े आसानी से बता सकते हो। आप क्या बोलोगे, इसको ऐसे ट्रीट करोगे आप कि ये एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड रूट टू जी एच है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये हाइट कितनी है एच माइनस एच, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी, अब बिल्कुल इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो आप, तो वाई डायरेक्शन में नीचे की स्पीड जीरो, टी बराबर जीरो पर, और ये स्पीड कभी चेंज नहीं होती है एक्स डायरेक्शन की प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हम यहां से टोटल गिरने वाला समय निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि वाई एक्सिस में चली गई डिस्टेंस एच माइनस एच है, और एस बराबर ut इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ नीचे की ओर एक्सिलरेशन जी है, जी टी स्क्वायर, तो टोटल नीचे आने में जो समय आएगा वो आएगा 2h माइनस एच बाय जी का रूट, ये आएगा, तो यहां से मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं। अब उससे टाइम यानी ये टाइम आ चुका है मेरे पास, यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम, टोटल नीचे आने का समय यानी कंप्लीट
टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक ये हवा में रही, ये मेरे पास आ चुका है, तो इतने समय में ये वेलोसिटी कितना आगे जाएगी ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आर जो आएगा वो आएगा वीपी इंटू टाइम, और वीपी कितना है, रूट टू जी एच इंटू टाइम। टाइम कितना आया, टू एच माइनस एच बाय जी का रूट, ये आया वीपी और ये आया टाइम, मैंने दोनों लिखा मल्टीप्लाई किया, तो आर अब आएगा रूट टू टू बार, रूट जी कट जाएगा, आएगा एच माइनस एच एच का रूट। इसका मतलब ये जो रेंज आई, ये रेंज आती है टू रूट एच माइनस एच इंटू एच, इसमें एच माइनस एच क्या है, ग्राउंड से हाइट, और एच क्या है, टॉप से डेप्थ। तो कुछ लोग इस रिजल्ट को भी याद रखते हैं, कैसे, कि रेंज आती है टू रूट एच वन एच टू, इस तरीके से याद रखते हैं, जहां एच वन क्या है, डेप्थ ओपन एंड से, एच टू क्या है, ग्राउंड से हाइट, किसकी, स्मॉल होल की, इस प्रकार से लोग याद रखते हैं, क्योंकि ये वही तो है, आर बराबर टू रूट एच माइनस एच इंटू एच, एच माइनस एच क्या है, ग्राउंड से हाइट, और एच क्या है, ओपन एंड से डेप्थ, किसकी, होल की। तो ये भी कुछ लोग मेमोराइज कर लेते हैं, आपको भी करना चाहिए क्योंकि समय बचेगा आपका। अब इसके बाद इसमें आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अच्छा क्वेश्चन क्या है कि बताइए ये होल कहां किया जाए, इस बीकर में ये होल कहां किया जाए जिससे कि ये रेंज मैक्सिमम आए, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। बताइए कि ये होल की लोकेशन क्या होनी चाहिए, कि होल कहां किया जाए जिससे कि रेंज मैक्सिमम आए फॉर गेटिंग आर मैक्सिमम, व्हाट शुड बी एच, ये ना एच क्या होना चाहिए, होल की लोकेशन मतलब एच क्या होना चाहिए, या तो ऊपर से बता दो या नीचे से बता दो, किसके लिए, कि आर मैक्सिमम है। अब मुझे पता है कि आर क्या है, आर आया ये टू एच माइनस एच एच का रूट, एच पे डिपेंड कर रहा है यार। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि आर एच की किस वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, तो इसमें आप एओडी यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है। वैसे मैं कई बार इसकी बात कर चुका हूं, हर एक बैच में मैंने ये चीज आपको बताई है, दोबारा फिर आपको मैं बता रहा हूं, यदि ये y किसी x पे डिपेंड करता है इस प्रकार से, मतलब x की वैल्यू में कुछ अलग अलग पुट करता हूं जिससे कि y की वैल्यू आएगी, अब मुझे x ऐसा बताना है जिससे कि y मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, यहां मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो भी मैं मैक्सिमम बोलूंगा, कि x की वो वैल्यू बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जिससे कि y मैक्सिमम आए। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसका नाम होता है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये मैथमेटिक्स वाले कैलकुलस में पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर में, बायोलॉजी वालों को फिजिक्स वाले ही बताते हैं इसी तरीके से जो वो क्वेश्चन में यूज होता है। तो यहां ये वाई है और ये एच एक्स है और सब कॉन्स्टेंट है, जैसे यहां ए कॉन्स्टेंट है, तो मुझे एच की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि आर मैक्सिमम आए, जैसे कि यहां लिखा हुआ फॉर गेटिंग आर मैक्सिमम वो शुड बी वैल्यू एच, क्या करते हैं, एओडी यूज करते हैं, बाय एओडी। ये क्या होता है, ये होता है कि मैं आर को एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, समझे, आर को एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, ये रूट में है अभी, अगर मैं यही डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं, तो आएगा मेरे पास आर स्क्वायर बराबर फोर एच माइनस एच इंटू एच। ये मैंने क्यों किया, जिससे रूट हट जाए, अब रूट हटने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। अब मैं एच के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, टू आर डी आर बाई डी एच आएगा बराबर यहां
फोर एच एच मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा फोर एच स्मॉल एच माइनस फोर एच स्क्वायर, ये आएगा। अब फोर एच एच में क्या आएगा, फोर एच एक एच का आ जाएगा वन माइनस एट एच, ये आएगा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद नाउ वी विल पुट डी आर बाय डी एच बराबर जीरो। ये एओडी का प्रोसीजर है कि डी आर बाई डी एच निकालेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसको जीरो रख देंगे, ये रखा मैंने जीरो। अब जीरो रखने के बाद ये टर्म आ जाएगा जीरो, यहां क्या बचेगा फोर एच माइनस एट एच, मुझे एच बताना था वो आएगा एच बाई टू। इसका मतलब ये है कि यदि आप ये होल मिड में बनाते हैं, मिड में, क्योंकि एच बाई टू टोटल हाइट की वैल्यू क्या आ रही है, एच बाई टू, एच की वैल्यू एच बाई टू, तो बेटा जो आर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहां एच बराबर क्या है, एच बाई टू। अब अभी तक मुझे ये पता चला कि डी आर बाई डी एच बराबर जीरो होगा एच बराबर एच बाई टू पर। इसका मतलब ये है, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम आया या नहीं आया, तो आप एओडी के अनुसार एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा जीरो और ये हो जाएगा वन, तो आएगा नेगेटिव। कौन आएगा नेगेटिव, डी टू आर बाई डी एच स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएटिव। और जब डबल डिफरेंशिएटिव नेगेटिव आता है तो हमेशा वाई मैक्सिमा आता है, तो आपको ये यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो नेगेटिव आएगा, समझे। आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी वैल्यू जीरो रखेंगे, और जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, यहां एक ही वैल्यू आ रही है, समझे ना, देखो एच वेरिएबल था, वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल एच बाई टू, कैपिटल एच गिवन है कॉन्स्टेंट में क्वेश्चन में, टोटल हाइट वो एक कॉन्स्टेंट है एच बाई टू। इट मीन्स रेंज विल बी मैक्सिमम इफ एच इज इक्वल टू एच बाई टू। एच की वैल्यू यानी होल यदि आप टोटल हाइट के मिड में करते हैं, बिल्कुल मिड में टोटल हाइट के, तो जो आर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और वो मैक्सिमम आर कितना आएगा, कितना आएगा वो मैक्सिमम, हम जानते हैं ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में क्या करूं मैं, एच की वैल्यू एच बाई टू पुट कर देता हूं, तो यहां क्या बचेगा एच बाई टू, यहां क्या आएगा एच बाई टू, ऊपर क्या आएगा रेट रूट, ये क्या आएगा एच माइनस एच बाई टू यानी एच बाई टू, ये क्या आएगा एच बाई टू रूट यानी क्या आएगा एच आ जाएगा, एच बाई टू का रूट क्या आएगा एच बाई टू, टू बाहर है तो एच आएगा, आर मैक्सिमम कितना आया एच। इसका मतलब ये है कि जब आप ये होल मिड में करेंगे तो पानी इस बीकर से उतना आगे तक जाएगा जितनी ये टोटल हाइट है, यही मुझे यहां से पता चलता है। आई बात समझ में, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, समझे, मैक्सिमम रेंज एच बाई टू पर आएगी और कितनी आएगी जितनी टोटल हाइट है, तो ये बात आप याद रखें, समझे। एक दूसरी चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप एओडी यूज करें, जब कभी भी आप एओडी यूज करें और आपके वेरिएबल की एक ही वैल्यू आती है, जैसे यहां एक ही वैल्यू आ रही है, तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में आपका आंसर सही आएगा, मतलब मैक्सिमा पूछ रहा है ना वो, तो मैक्सिमा ही आएगा। लेकिन वैल्यू अगर दो आती है, जैसे यहां दो वैल्यू आ सकती थी, एक माइनस एच बाई टू एक प्लस एच बाई टू, या एक एच बाई टू एक एच बाई फोर, इस तरीके के आंसर आपके दो आते हैं मान लेते हैं, समझे। तो अब मैक्सिमा किस पर होगा, कौन सी वैल्यू यूज करूं मैं अपने आंसर के लिए, उसके लिए आपको ये एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है, समझे। और जब एक बार और डिफरेंशिएट करके डी टू आर बाई डी एच निगेटिव आता है, डी टू आर बाई डी एच इसमें निगेटिव आता है, एच की जिस वैल्यू पर, वो आपका मैक्सिमम आंसर होता है, मतलब एच की उस वैल्यू पर मैक्सिमम आता है। फिजिक्स में ऐसा बहुत कम होता है कि इस वेरिएबल की दो वैल्यूज आती है, हमेशा एक ही आती है और उससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, वो ज्यादातर किसमें होता है, मैथमेटिक्स में, कैलकुलस के क्वेश्चंस में। यहां तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी गई है, जैसे ये इक्वेशन दी है, एक्स की किस वैल्यू पर वाई मैक्सिमम आएगा ये मुझे बताना है, एच की किस वैल्यू पर आर मैक्सिमम आएगा ये मुझे बताना है, तो डी आर बाई डी एच कैलकुलेट करूंगा, जीरो रखूंगा, इक्वेशन सोल्व करूंगा, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स में एक ही आंसर आता है, जैसे यहाँ एच बराबर एच बाई टू आया, और वही मुझे फाइनल रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट मुझे ये बताता है कि आर मैक्सिमम एच की कैपिटल एच बाई टू वैल्यू पर आएगा, ये मुझे बताता है। तो ये
क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करेंगे, बड़े ध्यान से आप इसको याद रखेंगे, मतलब ये रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ कुछ लोग इसको याद भी रखते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, हम ये जान चुके हैं कि अगर मुझे इससे निकलने वाले पानी की मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे वो हॉल मिड में करना पड़ेगा, समझे ना। जो मैंने बोला ना लोग रिजल्ट याद रखते हैं, वो रिजल्ट इस तरीके से याद रखते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो निकलने वाला पानी है होल करने के बाद वो इस बीकर से मैक्सिमम दूरी पर जाए तो होल पूरी हाइट के मिड में करना पड़ेगा, एक तो ये बात मुझे पता चली। दूसरी बात, यदि मैं चाहता हूँ कि होल करने के बाद वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकले, तो मुझे होल एकदम मिड में करना पड़ेगा, बॉटम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रूट टू जी एच। और इन सभी बातों में ये मुझे कंसीडर करना है कि ये होल बहुत ज़्यादा छोटा है, समझे। अगर होल छोटा नहीं है तो कहानी चेंज हो जाएगी, इस वाला जो एरिया है ये एरिया भी रोल प्ले करने लगेगा। आई बात समझ में, अभी कोई भी एरिया रोल प्ले नहीं कर रहा है, ना स्मॉल है ना इसका एरिया ना इसका एरिया, जब तक ये स्मॉल है। और यदि वो इसको स्मॉल नहीं बोलता है तो दोनों का एरिया उसको आपको देना पड़ेगा, इसका भी और उसका भी। जब तक स्मॉल है तब इसकी वेलोसिटी डायरेक्ट आ जाती है रूट टू जी एच, मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो ये बोलेगा कि एक बीकर में पानी भरा हुआ है, कोई होल नहीं है अभी इसमें, समझे ना, कंप्लीटली इसकी हाइट h है और यहां म्यू बराबर जीरो है। इसमें बीकर प्लस पानी का मास m है, m टोटल इज इक्वल टू m tt, मतलब पानी प्लस बीकर का मास m है, mt, और यहां म्यू बराबर जीरो है, ग्राउंड और बीकर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बताइए कि होल कहां किया जाए, इस बीकर में होल कहां किया जाए, स्मॉल होल कहां किया जाए जिससे कि बीकर में मैक्सिमम एक्सेलरेशन आए। लोगों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि होल करने से एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है, एक्सेलरेशन तो फोर्स लगाने से आएगा। आई बात समझ में, अब जरा सोचो अगर मैं इसमें कहीं भी होल करता हूं तो पानी बाहर निकलेगा किसी स्पीड से, और किसी स्पीड से यदि पानी बाहर निकलता है तो मोमेंटम बाहर निकलेगा, और मोमेंटम बाहर निकलता है यदि तो यहां लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से मैं ये बोलूंगा कि इस बीकर को भी पीछे चलना पड़ेगा किसी ना किसी स्पीड से, जिससे कि पर सेकंड आगे जाने वाला मोमेंटम इक्वल हो जाए पीछे जाने वाले मोमेंटम के, समझे ना, मतलब आगे की ओर जो मोमेंटम निकल रहा है वही मोमेंटम पीछे की ओर भी जाना चाहिए जिससे कि नेट मोमेंटम जीरो रहे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है यहां, जब आपने होल किया उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें, समझ में बात। तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए पहले और होल करने के बाद, समझ में ही बात क्लियर। तो यदि वो आपसे इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है कि होल कहां किया जाए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आए बीकर का, और वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बताओ जो मैक्सिमम आएगा, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से सोचना स्टार्ट करेंगे कि मैं होल ऐसी जगह करता हूं कि एक साइड में सबसे ज्यादा मोमेंटम निकले, तेजी से मोमेंटम निकले, और तेजी से मोमेंटम कहां निकलेगा, जहां स्पीड ज्यादा होगी, समझ में ही बात। तो स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगी, यदि मैं बॉटम में होल करता हूं, अगर मैं बॉटम में होल करता हूं तो यहां स्पीड सबसे ज्यादा आएगी, और कितनी आएगी, रूट टू जी एच, क्योंकि स्मॉल होल है। डायरेक्ट अब मैं यूज कर रहा हूं पिछले रिजल्ट को, प्रूव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, बंडोली चोर में नहीं लगा रहा हूं मैं, अब मैंने याद कर लिया है, समझे, रूट टू जी एच आएगी हाई स्पीड। अब ये स्पीड आ चुकी है यहां होल करने के बाद, तो एक मोमेंटम आगे की ओर निकल रहा है, इसलिए इस सिस्टम को पीछे की ओर जाना पड़ेगा। टी बराबर जीरो पर मैंने होल किया, उसी इंस्टेंट पे मुझे एक्सेलरेशन बताना है, तो ऐसे नहीं है कि बहुत सारा पानी निकल चुका है, ऐसा नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है, आगे की ओर निकलने वाला मोमेंटम निकाल लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सेकंड पे ही बात करते हैं, एक सेकंड पे आगे की ओर मोमेंटम तो पीछे की ओर भी मोमेंटम उतने ही आना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे। तो यहां लिखूंगा मैं टोटल मोमेंटम
ऑफ द गिवन सिस्टम विल बी कॉन्स्टेंट बिफोर ओपनिंग द स्मॉल हॉल एंड आफ्टर ओपनिंग द स्मॉल हॉल. क्लियर. अब इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो. और फाइनल मोमेंटम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. फाइनल मोमेंटम किसका आएगा? एक तो आगे चलने का और इसके पीछे जाने का. तो मैं यहां लिखूंगा एल फाइनल दो चीजों का है, मोमेंटम इन राइट डायरेक्शन प्लस मोमेंटम इन लेफ्ट डायरेक्शन. इस तरीके से लिखूंगा, एक को पॉजिटिव लिखूंगा तो एक को माइनस मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है. अब ये बात करता हूं कि एक सेकंड में ये मोमेंटम कितना निकलेगा, इसकी स्पीड कितनी है? रूट टू जी एच, रूट टू जी एच. तो एक सेकंड में बात कर सकते हो आप, डेल्टा टी सेकंड में बात कर सकते हो. यदि मैं डेल्टा टी सेकंड की बात करता हूं तो यहां लेंथ कितनी आ जाएगी पानी की, इस डायमीटर की, ये जो होल है इस होल से सिलेंडर की फॉर्म में पानी बाहर निकलेगा बहुत तेजी से. तो कितनी लेंथ का पानी बाहर निकल जाएगा डेल्टा टी सेकंड में? इंटू डेल्टा टी, इतनी लेंथ का पानी बाहर निकल जाएगा समझे, इंटू स्मॉल ए. इसका एरिया मान लेता हूं मुझे दिया हुआ है स्मॉल ए एरिया, इंटू स्मॉल ए. ये क्या आएगा? वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम डेल्टा टी सेकंड में बाहर निकला? इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. ये क्या आएगा? मास. इंटू स्पीड. ये क्या आएगा? डेल्टा टी सेकंड का मोमेंटम जो बाहर निकलेगा किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में. ये मेरे पास आया माइनस. इसी प्रकार से मोमेंटम लेफ्ट डायरेक्शन में. ये पी लिखना चाहिए मुझे, एल नहीं लिखना चाहिए, पी लिखना चाहिए. तो मैं पी लिख देता हूं यहां, पी 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 लिख देता हूं. अब लेफ्ट डायरेक्शन में मोमेंटम डेल्टा पी मान लेता हूं मैं, लेफ्ट डायरेक्शन में किसका है ये? वाटर प्लस बीकर. डेल्टा टी सेकंड का मोमेंटम मेरे पास ये आएगा. तो डेल्टा टी सेकंड का मोमेंटम वाटर प्लस बीकर कितना आया? रो टू जी एच का रूट हटा जाएगा इनटू ए. समझे, ये डेल्टा टी सेकंड का मोमेंटम है. तो एक सेकंड का कितना आएगा? एफ बराबर क्या होता है? डेल्टा पी वाटर प्लस बीकर अपॉन डेल्टा टी. ये तो होता है फोर्स, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. ये चेंज इन मोमेंटम इसका डेल्टा टी सेकंड का है. आई बात समझ में? तो मैं अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा इसको तो ये एक सेकंड का मोमेंटम आ जाएगा मेरे पास. डेल्टा टी सेकंड का इतना, एक सेकंड का कितना? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. तो एवरेज फोर्स जो मेरे पास आ जाएगा वो आएगा डेल्टा पी डेल्टा टी. तो डेल्टा पी की वैल्यू ये है बाय डेल्टा टी, यानी कट जाएगा. तो आएगा रो टू जी एच इंटू ए. तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा किसका? वाटर प्लस बीकर. किस टाइम पे? टी बराबर जीरो पर. टी बराबर जीरो पे मास कितना है? एम टी. तो वो आएगा रो टू जी एच ए बाई एम टी. याद रखेंगे आप कैसे किया मैंने क्वेश्चन, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आप देखेंगे मैं डायरेक्ट पिछले वाले आर्टिकल के रिजल्ट को यूज कर रहा हूं, जैसे ये ट्रू रूट टू जी एच. क्लियर. तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि अगर आपकी याद है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के.